हेलो गाइस, वेलकम टू महादेव वेडिंग चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे किस टॉपिक पे हमारी वीडियो होने वाली है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को फुल देखना तभी आपको पता लगेगा वीडियो के साथ एडिट करना है। इस वीडियो में सिंपल क्या है, कुछ ऐसा रहम कुछ ऐसा लगन। तो गाइस, सॉन्ग है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंड करी है इंस्टाग्राम रील्स। चलो गाइस, बिना देर के वीडियो को एडिट करते हैं तभी आपको पता लगेगा वीडियो कैसे बनाना है। सिंपल, इस वीडियो को बनाने के लिए हम सिंपल VNN एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। तो गाइस, जिसके पास नहीं है जाइए लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके डाउनलोड कर लीजिए। जब आप लोग डाउनलोड कर लोगे तब आपको सिंपल कुछ इस तरह इंटरफेस दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपने प्लस और आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा और वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे होगा। तो जाइए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल इसी तरह ऐड करना है जिस तरह से यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेकर उसके बाद जो वीडियो को ऐड कर देगा हमारी टाइमलाइन पे। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेट करना नहीं पड़ा, यहाँ पे ये आ चुका है। तो यहाँ पे लास्ट में देखेंगे एक बैकग्राउंड ऐड हो जाता है जिसका कोई रोल नहीं होता हमारी वीडियो में। तो सिंपल हम इसको से डिलीट कर देंगे। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। हमारे काम का था नहीं तो हमने डिलीट कर दिया। अब देन यहाँ पे हम प्लस और आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम अपनी एक वीडियो ले लेंगे जिसमें हम वॉक करते होंगे। तो यहाँ से आपने उस वीडियो को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। तो सिंपल यहाँ पे ये वीडियो आ चुकी है। अब इस वीडियो को हम इसमें थोड़े से कलर डाल देते हैं। कलर डालने के लिए क्या करेंगे, मतलब इफेक्ट डाल देते हैं, इसमें थोड़े से फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर लगाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे ढेर सारे हमारे पास जो है फिल्टर्स हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह का फिल्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ढेर सारे फिल्टर आपको प्रोवाइड है। तो यहाँ आपको कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे इफेक्ट जो ये वाला देख सकते हैं लगा के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये वाला मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा पिंक टोन है सनसेट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमारी जब वीडियो हम प्ले करेंगे तो हमारी वीडियो का जो ट्रांजेक्शन है बहुत ही नॉर्मल होगा। तो उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जूम वाले इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जूम वाले इफेक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया और देन यहाँ पे हम इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में भी जाएंगे और यहाँ से भी एक इफेक्ट लगा लेंगे ताकि हमारी वीडियो अच्छी लग और हमारी वीडियो अच्छी बन जाए। तो अगर आपकी वीडियो में किसी भी तरह का म्यूजिक ऑडियो है तो आप सिंपल उसको वहाँ से बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरे जो वीडियो में ऑडियो है उसको मैं सिंपल यहाँ पे बंद कर दूंगा। अब मैं एक बार आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि मेरी वीडियो किस तरह से एडिट हुई है। सिंपल चलो मैं यहाँ पे वीडियो वाले प्ले करके देखता हूँ। ओह सॉरी, हमने यहाँ पे सब कुछ कर लिया बट हमने यहाँ पे म्यूजिक तो ऐड किया नहीं। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल टैप टू ऐड म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से म्यूजिक को चूज कर लेंगे। गाइज, म्यूजिक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है तो जाइए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो म्यूजिक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जहाँ पे हमारा म्यूजिक खत्म होता है वहाँ पे हम अपनी वीडियो को ट्रिम करेंगे और बाकी के पार्ट जो डिलीट कर देंगे। एक बार मैं आपको वीडियो प्ले करके देता हूँ कि हमारी वीडियो किस तरह से लग रही है। तो गाइस देख सकते हैं हमारी वीडियो में अच्छे से रेडी हो चुकी है। जब आपकी वीडियो में अच्छे से रेडी हो जाए तो आपने ध्यान देना, यहाँ पे आपको ऊपर की साइड एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे 960 फ्रेम है जो सिलेक्ट कर लेना है। इससे हमारा फ्रेम एकदम अच्छी क्वालिटी में आ जाएगा। जब आपने इतना सब कुछ कर लेना देन उसके बाद यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये 720 पिक्सल पे हमारी वीडियो को एक्सपोर्ट कर देगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि ऐसी वीडियो आप तक आती रहे। थैंक यू गाइस, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।